दोस्तों आज हमारे यहाँ बन रहा है आलू का पराठा काव्यांश के टिफ़िन के लिए। तो पहले दोस्तों करते हैं हम आलू को धुल करके अपने प्रेशर कुकर में इसको रख लेते हैं और इसके बाद हम इसको 2-3 सीटी आने तक इसको हम पका लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आलू है वो पक चुका है और हमने गैस से उतार करके हमने साइड में रख लिया है। और ये देखिए दोस्तों हमारा आलू पक चुका है। तभी हम क्या करते हैं आलू को अलग निकाल करके हम उसको अभी छील लेते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ ये हमारा आलू पका हुआ आलू हमने देखिए निकाल लिया है और इधर कुछ आलू हमने दोस्तों हमने छीलना शुरू कर दिया। तो ये हमारे जो आलू है हमने छील करके उसको सारे के सारे आलू को हमने रख लिया है। ये देखिए दोस्तों हमने आलू उबाल करके छील लिया है। और दोस्तों इधर हम अपने आटे को गूंद करके रख लिया और आटे को हमने दोस्तों हल्का सा गीला रखा है ताकि हमारा जो आलू का पराठा है वो बहुत ही टेस्टी यमी बने। अगर हम आटे को डाटा ज़्यादा टाइट सान देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा आलू का पराठा जो है वो फट जाएगा। तो हमने दोस्तों अपने आटे को हल्का सा गीला सना और इसमें दोस्तों हमने अजवाइन डाला जो कि आपको ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा इसमें अजवाइन डाला हुआ है जो कि गैस नहीं बनाता है और फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए और परिवार के लिए। तो आप ज़रूर इसमें अजवाइन डालिए आटे को गूंद से समय ही। और अब दोस्तों हम अपनी तैयारी करते हैं अपने आलू के पराठे के आलू की। तो इधर हमने प्याज काट के रख लिया है और बाकी हम क्या करेंगे अपने मिक्सर जार के अंदर हम लहसुन अदरक का जो है ग्राइंड करके रख लेंगे इसको। तो दोस्तों अभी इधर हम अपने गैस पे जो है कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। तो हमने इधर अपने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें अब जाएगा हमारा पिसा हुआ दरदरा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि हम अपने इसमें डाल लेंगे। बिकॉज़ हम अपने आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो पराठे का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है दोस्तों। जैसे कि अपने आलू का फ्राई कर लेते हैं तो अभी हम अपने आलू को सारा का सारा इसमें हम अपनी कढ़ाई में डाल देते हैं और साथ में जाएगा इसमें हरी हरी मिर्च। तो दोस्तों ये हम पहले प्याज को भून लेते हैं और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक दोस्तों इसको भून लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए हमारा जो है प्याज वो भून चुका है। अब इसमें जा रहा है हमारा मैश किया हुआ आलू और साथ में हरी हरी मिर्ची। कि दोस्तों बिना मिर्ची के तो किसी भी सब्जी में स्वाद आना नहीं है, इसलिए मिर्ची तो ज़रूर डालिए। और जैसा परिवार में पसंद है, ज़्यादा तीखा तो ज़्यादा डालिए, कम तो बिल्कुल कम डालिए। तो अभी दोस्तों हमने अपने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया। इसमें अब जा रहे हैं मसाले। तो पहले गया है हल्का सा गरम मसाला और उसके बाद गया हुआ घर का पिसा हुआ काली मिर्च और जीरा पाउडर। दोस्तों इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें जाएगा हल्का सा चिली फ्लेक्स। हमने वैसे ग्रीन चिली तो डाला है बट आप हल्का सा चिली फ्लेक्स भी डाल लीजिए। और दोस्तों इसमें गया घर का पिसा हुआ हल्का सा सब्जी मसाला। और अब दोस्तों इसको हम जाएगा इसमें नमक स्वाद अनुसार। तो दोस्तों कई बार सारे मसाले हमने अब डाल लिए इसमें और अब इसको अच्छी तरीके से हम इसको अब मिक्स कर लेंगे। तो हमने हमारा जो है आलू मिक्स हो चुका है। इसमें जा रहा है जरा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर दोस्तों जो है पराठे के इसमें मिक्स को बहुत ही इन्हेंस कर देता है इसके टेस्ट को और बहुत ही। तो अभी हम अपने मिक्स को निकाल के इसके ठंडे होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं दोस्तों। अब इसमें जाएगा कटा हुआ ऊपर से प्याज। तो दोस्तों हमने ये ऊपर से ले लिया है ये कटा हुआ प्याज जो कि हमारे आलू के पराठे में जाएगा। और कच्चा प्याज डालने से दोस्तों टेस्ट और अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सा बहुत बढ़िया टेस्ट आने लगता है आलू के पराठे का। तो हमें देखिए हमारा आलू हल्का गर्म है तो इसमें हमने अभी प्याज भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से प्याज को इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना कितना प्यारा कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों हमारा आलू के पराठे के आलू का इसका अपना मिक्स। तो अब दोस्तों तैयारी करते हैं अपने आलू पराठे की। तभी हमने आटे को इसको लोई में बेल दिया है और अभी अब इसमें से हमारा जाएगा मिक्स आलू मिक्स जो हमने ये अपना मसाला तैयार किया है आलू का। अभी ये गया पराठे के अंदर और देखिए दोस्तों इसको इस तरह से फोल्ड करना है।
ताकि आप पूरी तरह से कवर कर लीजिए, ताकि आपका जो आलू है वो बाहर ना निकले और आपके पराठे फटे भी ना। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने आटा गूंदने के लिए आपको बताया है, जिस तरीके से आपको मसाला तैयार करने के लिए बोला, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप बनाते हैं अपने आलू के पराठे को, तो आपका आलू का जो पराठा है कभी नहीं फटेगा। ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सा हमारा जो है आलू का पराठा जो है वो रेडी हो गया। अब तवे के ऊपर ये जा रहा है। इसको अच्छी तरीके से दोस्तों चारों साइड से बेल लेंगे, ताकि हमारा आलू का पराठा जो एक लेयर में हो जाए। अब ये दोस्तों क्या पराठे हमारे तवे के ऊपर। तो दोस्तों इधर अपने पावनी भी आ चुकी हैं। तो पावनी आज क्या लेके जाएंगे टिफिन में? आलू पराठे पसंद है? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों आज पावनी के जो लंच बॉक्स में है वो जाएगा आलू के पराठे, तो उन्हीं के लिए स्पेशल बन रहा आलू के पराठे। तो ये हमारा अब तैयार हो रहा है। हमारा जो आलू का पराठा है हमने उस पर घी लगा दिया। ये देखिए देसी घी, घर का निकला हुआ देसी घी है, और हमने आलू के पराठे पे हमने घी लगा दिया और इसको हमने अपना पलट दिया है। तो दोस्तों इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड, सेकने के बाद इसको निकाल लेंगे। और ये रहा दोस्तों हमारा, देखिए आलू का एकदम टेस्टी टेस्टी जो है पराठा वो बन के रेडी हो चुका है, जो कि पावनी के टिफिन में जाएगा। दोस्तों बहुत दिन से काव्यांश का भी दिन वो था कि मन था कि आलू पराठे नहीं बन रहे, आलू पराठे नहीं बन रहे, जो कि इनका सबसे फेवरेट है, हैं काव्यांश। हाँ। तो अभी काव्यांश जो है ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं आलू के पराठे और ये दही, जो कान्हा जी को भोग लगा था। कैसा लग रहा है कान्हा जी का भोग? टेस्टी है। ओके बाय बाय दोस्तों। काव्यांश का जो लंच बॉक्स है वो रेडी हो रहा है, उसके आलू के पराठे जा रहे हैं एक, और पावनी का भी जा रहा है एक। तो ये काव्यांश का लंच पैक तैयार हो गया है, ये पावनी का लंच बॉक्स तैयार हो चुका है दोस्तों, और ये इनका जो है पैक हो गया। काव्यांश का रेडी, ये पावनी का रेडी। तो ये पावनी का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, रखिए। तो ये पावनी का लंच, पावनी